কুড়ি পুনরাবৃত্তি একুশও এবারও করোনা কাটা ঈদে একে পর এক সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে করোনা ভয়াবহ রূপ ধারণ করায় কাটছাট করা হয়েছে অনুষ্ঠানে। আজ ঈদও কোভিড প্রোটোকল মেনে করছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। তৃতীয়বার জিতে আসা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে কোভিড দূরত্ববিধি এবং সামাজিক বিধি মেনে 50 জনকে নিয়ে ঈদ উৎসব পালন করতে হবে। তো এইভাবে এদিন ঈদ উৎসব পালন করলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা। রমজান মাস শেষে এসেছে খুশির ঈদ। টানা এক মাসে রমজানের পর ঈদ উৎসবে মেতেছেন গোটা বিশ্বের মুসলিম সমাজ। এই শব্দের অর্থ উৎসব, তাই প্রতি বছরই মুসলিমদের জীবনে ফিরে আসে এই উৎসব। বছরের প্রথম ঈদ উদযাপিত হয় দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার পর, যাকে বলা হয় ঈদ উল ফিতর বা রোজার ঈদ। এই দিন হলো মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষের মূল উৎসব। মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা এদিন খুব আনন্দের সঙ্গে পালন করেন। সবাই এদিন ভালো পোশাক পরেন, গোটা করে ঘরে ঘরে উৎসবের আয়োজন হয়। আত্মীয় স্বজন পাড়াপড়শিরাও এই আনন্দে সামিল হন। দরিদ্ররাও এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার মধ্যে দিয়ে সাধ্যমতো পালন করেন। আর এই দিনটি বিশেষত্ব, মুসলমানেরা এদিন নবসাজে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যে করোনা মহামারী থেকে পৃথিবী দ্রুত মুক্ত হোক। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সঙ্গে এদিন কুশল বিনিময় করেন তারা, বাড়ির ছোটদেরও দেন ঈদের উপহার। সব থেকে আগে তো খুশি আছে ঠিকই, এটাকে আমি আমাদেরকে দেখতে হবে যে একটা যে বিমারিটা আছে এর জন্য আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে, আমাদেরকে বাঁচতে হবে, অন্যজনকে বি বাঁচাতে হবে। কেন যে সরকার বলছে কি না আপনারা ঈদ আছে ঠিক আছে ঈদ মানান, একটু সাবধানে, খুব ভালো মতন হয়েছে নামাজ ভি ভালো মতন হয়েছে। যে বিমারি চল রা হ্যাঁ উস বিমারি সে হাম সবকো अपने आप को थोड़ा परहेज रहने चाहिए, दूरी बनाए रखने चाहिए, मास्क इस्तेमाल करने चाहिए। और दूसरे ईद मिलन जो हो रहा है, ईद का जो भी खुशी आपस में भाईचारगी बनाए रखने चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता रखने चाहिए। आज जो हमारा शकीर बाबा यहाँ पर ईद मिलन कर रहे हैं, यहाँ हमारे जनाब परेशपाल जो यहाँ के MLA हैं, इनका जीते जो हैं इनसे इनका बहुत बड़ा ये हाथ है कि हमारे बाबा शकीर बाबा का जो इलाके में अच्छा कैंपेनिंग, अच्छा पहचान, अच्छा इज्जत है, जो उनको वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिला और वो MLA बन के ये हैं। यही बोलने चाहते हैं, आवाम से ये अपील करने चाहते हैं कि एकता बनाए रखें, आवाम को ये चाहते हैं कि अपना पर्व मनाओ, जो भी कुछ करो लेकिन डिस्टेंस रखो, मास्क जरूरी है, मास्क रखना चाहिए। और हम प्रार्थना भी करते हैं मालिक से कि मेरे जितने भी हैं मैंने बीमारी से महफूज रहें और बीमारी ना पकड़े। अभी तक इससे आगे भी कोरोना में और अभी तक कुछ इस इलाके में यहाँ दूर दूर तक नहीं है कोई बीमारी का कोई वस्तु नहीं, कुछ नहीं। इससे पहले भी, साल भर पहले भी और इस वक्त भी मौला का करम से हम लोग महफूज हैं और महफूज रहेंगे। और जैसे दीदी है हम लोग इस तरह से महफूज ही रहेंगे। सगीर वारसी और सगीर बाबा नारकुलडांगा 29 नंबर वार्ड। ईद के मौके पे ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिस तरह हमारे 29 नंबर वार्ड में और पूरा पश्चिम बंगाल में जिस तरह हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ईद मनाते हैं, इसी तरह ही हमारे 29 नंबर वार्ड में हमारे सगीर बाबा हैं, परेशपाल की हिमायत में हम लोग हर काम करते हैं, बाबा उनके रहनुमा में साथ में ही चलते हैं। और सबसे यही दुआ करना चाहूँगा कि सब दुआ करें कि किसी को हमारे वार्ड में अभी तक किसी को हुआ नहीं है, ना हो और सब सैनिटाइज, सब हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल करके ही सब रहते हैं इस वार्ड में। और मेरा नाम शक्ति सिंह है और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा डिस्टेंस बनाए रखें और सैनिटाइज यूज़ करें और आपस में सब ध्यान रखें। जिस तरह हमारे यहाँ पे अभी नमाज के समय में हमने देखा गया कि यहाँ पर पहले बहुत हम लोग सब मिलजुल के सब नमाज यहाँ पर पढ़ा जाता था, मगर दीदी का आदेश के अनुसार सब मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे, उनका पालन भी किया गया है। सब 3 बार में हर मस्जिद में नमाज हुई है, रोड पे कोई नमाज नहीं हुआ है। दीदी का भी आदेश था यही, कोरोना काल में सब सेफ्टी रहें, सब मिलजुल कर रहें। अगर कोरोना काल में अगर हम लोग अगर सब एक दूसरे से दूरी बना करके रख रहे हैं, उससे हम लोग बीमारी अगर नहीं फैल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उनका करम भी है, ऊपर वाला का करम भी है जो हम लोग सब मिलजुल के चल रहे हैं। हम हमारे ये 29 नंबर वार्ड में हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ही रहते हैं। मेरा नाम शक्ति सिंह है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।